बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद औरंगजेब खान। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि प्रोग्राम आपकी बात में हम आपके मसाइल की बात करते हैं। जिस तबके का इस्तेहसाल किया जा रहा होता है, जिस तबके के साथ या फ़र्द के साथ ज़्यादती हो रही होती है, हम उसकी बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि ज़िला लैया में इस वक्त थल जीप रैली का इनेकाद हो रहा है और पिछले 6 साल से इस इवेंट का इनेकाद किया जा रहा है और हर साल एक ही रविश अपनाई जाती है, हर साल एक तबके को इग्नोर किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ लैया के शोरा की, लैया के सिंगर हजरात की, लैया के अदीबों की, जिनको हर इवेंट में इग्नोर किया जाता रहा और इस साल भी उनको इग्नोर किया गया। ज़िला लैया की तरफ से एक भी शायर, एक भी सिंगर, एक भी अदीब को इस थल जीप रैली के इवेंट में मदु नहीं किया गया। हालांकि उनका कहना यह है कि हम बिल्कुल बिला मुआवजा भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि इंसान हमेशा कोशिश करता है कि उसको इज्जत मिले। पैसे के लिए लोग काम करते हैं लेकिन एक हद तक, लेकिन इज्जत के लिए इंसान अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब सियासतदान और ज़िला इंतज़ामिया आपको इज्जत देने से इनकार कर दें, आपके अपने ज़िला के लोग आपके साथ इतनी बेमुरव्वती करें कि बाहर से आने वाले लोगों को लाखों रुपए दिए जाएं और आपको मुफ्त में भी ना बुलाया जाए, तो तकलीफ़ ज़रूर होती है। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा कुछ शोरा हजरात से, कुछ अदीबों से और कुछ सिंगर्स हजरात से। वो आपको बताएंगे कि इस दफ़ा थल जीप रैली में उनके साथ कैसा रवैया अपनाया गया और उनके मुतालबात क्या हैं और उनके दुख दर्द में कौन उनके साथ है और कौन उनके मुखालिफ खड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तुहाडा फोक सिंगर अब्दुल गफूर शाह की, जिहड़ा मेरा ताल्लुक है ज़िला लैया तो, मैं एक छोटा जिहा मैसेज देना चाहना आवाम को कि जेड़े लोग ज़्यादातर बाहर दे सिंगर हजरात को तरजीह दे दें, वो हजरात सब तो पहले ये है कि अपने इलाके दे जेड़े सिंगर हैं उन्हें तरजीह दे दें। ते उन्हें को अगर ये तरजीह दे सन तो कुछ वो अपने यानी कि जेड़े अगां वधण दी कोशिश करे सन, वो अपने जेड़ा जज्बा सी उन्हां दे पैदा थी सी, ताकि यह के वो अपने जेड़े के जितना ही आवाम उनके नाल तावन करे सी ज़्यादा, तो उनका जेड़ा जज्बा है कि वो ज़्यादा ही कुछ पैदा थी सी, तो कुछ वो कदम अगा ज़्यादा ही वधे सी। सारे एहतजाज करन दा मकसद ये है कि सब तो ज़्यादा जेड़ा है सारे जेड़े मुल्क दे हजरात हैं, सिंगर हैं या शोरा हैं, पै शहर हजरात हैं, उन्हां को सब तो ज़्यादा जेड़ा है अपने जेड़े यानी के अपने इलाके दे जेड़े हैं पै वो ही तरजीह देवें सब तो ज़्यादा। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ यो है कि सब तो ज़्यादा ये है कि जेड़े इलाके दे सिंगर हैं पै उन्हां को ज़्यादातर तरजीह दी। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने शोरा हजरात की, सिंगर हजरात की और अदीबों की गुफ्तगू सुनी। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से और सियासतदानों की तरफ से जो रवैया इनके साथ रखा गया है वो इंतहाई पुर मुज़म्मत है और हम भी उसकी मुज़म्मत करते हैं और हम इनके साथ खड़े हैं, बल्कि हम हर उस तबके के साथ खड़े हैं जिनके साथ पाकिस्तान में मौजूद कोई भी इदारा ज़्यादती करता है या कोई फ़र्द उनके साथ ज़्यादती करता है। आप लोग भी हमारे इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके साथ कहीं पर कोई ज़्यादती हुई है तो आपको स्क्रीन पे जो नंबर नज़र आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सपोर्ट भी करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।